कहानी शुरू होती है सोफी नाम की एक लड़की से जो कैप्स बनाने का काम कर रही है। आज उसे अपनी बहन से मिलने जाना था। रास्ते में उसे दो सोल्जर्स तंग करने लगते हैं, तभी कोई फरिश्ते की तरह उसे बचाने आता है। ये मूवी का हीरो हाउल्स है, जिसे सब लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ा जादूगर। उसके पीछे भी कुछ जादुई क्रिएचर्स पड़ी हुई थी। इसी सब में वो सोफी को लेकर आसमान में उड़ जाता है। सोफी डरती है, वो तो जिंदगी में पहली बार आसमान में उड़ रही थी। तब हाउल्स उसे ना घबरा कर कदम आगे बढ़ाने को कहता है, और ऐसे हाउल्स के साथ कदम मिलाते मिलाते वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। अपनी बहन से बातें करते हुए उसे हाउल्स के बारे में पता चलता है कि वो एक जादूगर है। वो कुछ हैरान तो हुई थी, लेकिन खैर ऐसी चीजों में उसे दिलचस्पी नहीं थी। रात होने पर वो जब अपनी शॉप में वापस आती है तो उसे वहाँ पर एक जादूगरनी मिलती है। सूफी को लगा था ये कोई कस्टमर है, इसीलिए वो उससे कहती है अब तो शॉप बंद हो गई है, कल आइएगा अगर आपको कुछ चाहिए तो। लेकिन सूफी की बात पूरी होने से पहले ही वो चुड़ैल उसे शराब दे जाती है, यूनिक कर्स दे जाती है। वो सूफी से जेलिस है। अब यहाँ सूफी जैसे ही शीशे में देखती है तो वो एक बूढ़ी औरत बन गई है, बहुत ही भयानक लग रही है। वो अपने आप को ही देखकर डर गई थी। वो पूरे शहर में किसी को नहीं बता सकती कि वो सूफी है, उसे कर्ज दिया गया है इसीलिए वो बूढ़ी हो गई है। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो अपने आप पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने डर पर काबू पाते हुए बहुत ही बहादुरी से शहर छोड़ने का फैसला कर एक गांव के लिए निकल जाती है, जहां उसे कोई पहचान ना पाए। रास्ते में उसका सामना होता है एक बहुत बड़े तूफान से। इस सब हालात में वो एक क्रॉस केयर से, यानी खेतों में खड़े हुए एक ऐसे पुतले से मदद मांगती है। वो सूफी को इस तूफान से बचने के लिए एक महल दिखाता है, एक ऐसा महल जो कि हवा में चल रहा था और कचरे से बना हुआ था, यानी गंध से बना हुआ था। यहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है और एक आग से बना डीमन। वो बच्चा उसे बताता है कि ये महल हाउल का है और मैं हाउल के जादू की मदद से भेस बदल बदल कर लोगों की मदद करता हूँ। महल के दरवाजे के बारे में वो एक और अजीब बात ये बताता है कि इस महल का ये जादुई दरवाजा चार अलहदा अलहदा दुनिया में खुलता है। अगर दरवाजा रेड कलर वाली साइड से खोला जाए तो वो इस महल की असल दुनिया होगी, अगर ग्रीन साइड से खोला जाए तो ये इंसानों की दुनिया होगी, लेकिन अगर दरवाजे को ब्लैक साइड से खोला जाए तो यहाँ पर एक जादुई जंग चल रही है जिसके अंदर हाउल्स भी लड़ रहा है। और जब सूफी यहाँ के लोगों के लिए खाना बना रही होती है तो तब ब्लैक कलर की तरफ से दरवाजा खुलता है। फिर ये दरवाजा उस दुनिया से खुल रहा था जहाँ पर जंग हो रही थी, और अब हाउल्स अंदर आया था। तब वो उससे पूछता है कौन हो तुम, जिस पर सोफी को कुछ समझ नहीं आता, और वो कहती है कि मैं यहाँ पर सफाई का काम करती हूँ। हाउल्स दोबारा अपनी काली दुनिया में लड़ने के लिए चला जाता है। सूफी अब सारा महल साफ करने के बाद बच्चे के साथ इंसानी दुनिया में यहाँ के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए जाती है, तो देखती है कि उसकी इंसानी दुनिया में भी जंग शुरू हो गई है। वो जैसे ही अब महल वापस लौटी थी तो हाउल्स बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ की सफाई क्यों की, यहाँ की सफाई करने की वजह से अब मेरी सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। देखते ही देखते ऐसा ही होता है, हाउल्स की बॉडी से अजीब ग्रीन कलर के लिक्विड निकलने लगते हैं, और ये देखकर सोफी को लगता है कि शायद उसे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, इसीलिए वो बहुत रोती है। उसे कोई परवाह नहीं थी कि बारिश हो रही है, वो भीग रही है, उसे तो बस दुख था कि अच्छा करने के बावजूद अब बुरा हो गया। तभी पहले दिखाया जाने वाला वो बुत और बच्चा सोफी के पास आता है। उनकी बातों से सोफी को हिम्मत मिलती है और फिर वो महल में वापस आकर हाउल्स को नहलाती है और उसे पहले जैसा कर देती है। अब यहाँ पर हाउल सोफी से बात करता है, जिसमें सबसे पहले वो एक जादूगरनी के बारे में बता रहा था, एक ऐसी जादूगरनी जिसने अपना भेष बदलकर अपने आप को एक बहुत खूबसूरत लड़की बनाया हुआ था। हाउल्स एक दिन उसके घर चला गया, लेकिन घर जाने पर जैसे ही उसने जादूगरनी का असली रूप देखा तो वो फौरन ही बाहर आ गया। वो जादूगरनी अब हाउल्स के पीछे पड़ चुकी थी। असल बात ये थी कि ये जादूगरनी वही जादूगरनी है जिसने सोफी को शराब दिया था। जादूगरनी सोफी से जलस है,
जेलस इसलिए थी कि उसने सोफी और हाउस को इकट्ठा देख लिया था, इसीलिए उसने सोफी की सारी ब्यूटी सारी खूबसूरती खत्म कर दी कि हाउस उसे फिर ना देखे। वो बताता है कि अब जादुई दुनिया में जो जंग हो रही है उस जंग में वहाँ के बादशाह का बेटा गुम हो गया है और वो चाहते हैं कि मैं प्रिंस को यानी बादशाह के बेटे को ढूंढ कर लाऊं, लेकिन मैं बहुत बुजदिल हूं, मैं उस जंग में नहीं जाना चाहता। वो सोफी से कहता है कि तुम्हें मेरी सिर्फ एक मदद करनी होगी, तुम तो वैसे भी बुरी दिखती हो, तुम्हें वहाँ जाकर बस ये कहना होगा कि हाउल्स मेरा बेटा है और वो इस जंग में हिस्सा नहीं ले सकता। उसने सोफी को एक अंगूठी भी दी थी उस जादूगरनी से बचने के लिए। अब यहाँ सोफी के साथ साथ वो जादूगरनी भी आई हुई थी क्योंकि उसे भी यहाँ उसी काम के लिए बुलाया गया था जिस काम के लिए हाउल्स को बुलाया जा रहा था। महल की लंबी सीढ़ियां थी, सोफी जो बूढ़ी हो गई थी उसके लिए वो चढ़ना मुश्किल था, जबकि उस बूढ़ी जादूगरनी से भी यहां पर चलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इस ताकतवर जादुई दुनिया में उसका जादू किसी काम का नहीं था। अब महल के अंदर जाने पर उन दोनों को एक कुर्सी दिखाई देती है। वो जादूगरनी जो बहुत ज्यादा थकी हुई थी वो जाते ही उस पर बैठ जाती है। ऐसा करते ही उस कुर्सी के चारों तरफ अजीबोगरीब क्रिएचर्स घूमने लगी थी जिन्होंने उसकी सारी की सारी शक्तियाँ यानी सारी की सारी ताकतें खींच ली थी। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि वहाँ के सरदार हाउल से या उस बूढ़ी औरत से जो कि जादूगरनी है उनसे कोई जंग लड़वाना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो उनकी शक्तियाँ यानी उनकी ताकतें छीनना चाहती थी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, जैसे उसने इस जादूगर की ताकत छीन ली थी। सोफी को वहाँ ज्यादा खतरा ना होता क्योंकि हाउल्स भी भेस बदल कर उसके साथ रहने वाला था। इससे पहले कि वो हाउल्स की ताकत छीनती, हाउल्स सोफी के साथ साथ जादूगरनी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब हाउल के पीछे उस जादुई दुनिया के सिपाही पड़ गए थे जबकि वो सोफी को अपने कैसल में यानी अपने महल में जाने का कह रहा था। अब हाउल्स को पता था कि कभी भी वहाँ के लोग आकर इस महल में हमला कर सकते हैं और फिर कुछ वक्त सोफी के साथ बिताने के लिए वो उसे बाहर लेकर आता है। इस वक्त सोफी उसे अपनी असल हालत में ही दिख रही थी यानी एक जवान सोफी, क्योंकि वो एक जादूगर था और सब कुछ सच देख सकता था। वो लोग वहाँ घूम ही रहे थे कि तभी उस जगह पर जंग शुरू हो जाती है। ये जंग सोफी की दुनिया की थी। अब हाउल सोफी को महल के अंदर जाने का कहता है और खुद उस जंग में लड़ने लग जाता है। वो जब वापस आता है तो एक मॉन्स्टर में बदला हुआ क्योंकि उसको भी एक शराब लगा हुआ था, उसी शराब की वजह से वो एक मॉन्स्टर था लेकिन वो अपने जादू से अपने आप को इंसान बनाए रखता था। जब सोफी हाउल्स को जख्मी देखती है तो वो उसे दोबारा जंग में ना जाने को कहती है, लेकिन हाउल्स कहता है कि फिकर ना करो, मैं सही सलामत वापस आऊंगा क्योंकि अब मैं बुजदिल नहीं हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे अपनी जान बचानी है किसी ऐसे के लिए जो मुझसे प्यार करता है। वो यहाँ सोफी की ही बात कर रहा था। वो उसे महल का ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। हाउल्स के जाते ही उनके महल पर भी हमला हो जाता है। ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि जादुई दुनिया की सरदार ने करवाया था। सोफी सबको लेकर बाहर चली जाती है। बाहर निकलते ही वो महल एक कचरे के ढेर में बदल जाता है। ये देखते ही सोफी जल्दी से फायर डीमन को दोबारा उस कैसल के अंदर ले जाती है ताकि वो फायर डीमन दोबारा कैसल को ठीक कर सके, जिस पर वो फायर डीमन कहता है ऐसे नहीं, तुम्हें कुछ देना होगा जिससे ही कैसल ठीक हो। सोफी कुछ सोचे समझे बगैर उसे अपने बाल दे देती है जिससे उस महल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ठीक होता है और एक घर में बदलता है। ये सब देख कर अब वो जादूगरनी जो के हाउल को पसंद करती थी वो फायर डीमन उसे अपने हाथ में उठा लेती है। ऐसा करते ही अब वो पूरी की पूरी जलने लगी थी। इससे पहले कि उस के साथ साथ ये पूरा महल जल जाता, सोफी उस जादूगरनी के ऊपर पानी फेंक देती है लेकिन वो फायर डीमन बुझने लग जाता है। वो जादूगरनी जान गई थी कि ये कोई फायर डीमन नहीं है बल्कि ये तो हाउल्स का दिल है और इसके बुझने से अब किसी भी वक्त हाउल्स मर जाता। वो काफी परेशान थी और दुखी थी और तभी हाउल्स की दी हुई अंगूठी चमकने लगती है और उसे एक रास्ता दिखाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर उस जगह के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर हाउल्स का पास नजर आता है। हाउल्स बहुत छोटा है और वो आसमान से गिरने वाली किसी जादुई चीज को खा रहा था। ये खाते ही उसका दिल अब एक फायर डीमन बनकर उसके हाथ में आ गया था। ये सब देखते ही सोफी को सब कुछ समझ आ चुका था और जैसे ही ये कहानी खत्म हुई थी तो वहाँ से चीजें टूटने लगी थी। सोफी यहाँ से जाते जाते उस
छोटे हाउल से कहती है कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। सोफी अब जल्दी से उस जगह पर जाती है जहां हाउल्स जंग लड़ रहा था। वो देखती है कि हाउल्स मरने की हालत में पड़ा हुआ है कि तभी सोफी चुड़ैल के पास जाकर उससे कहती है कि तुम्हारे पास जो हाउल का दिल है प्लीज मुझे दे दो। जिस तरह हमने देखा कि हाउल्स का दिल ही एक फायर डीमन बना था, इसी तरह जब सोफी ने उस फायर डीमन पर पानी डाला था तो वो दोबारा दिल बन चुका था। वो जादूगरनी हाउल का दिल देने को राजी नहीं थी, लेकिन सोफी बहुत मुश्किलों से उसे मना लेती है और दिल उठाकर हाउल्स के अंदर डाल देती है। जैसे ही वो दिल हाउल्स के अंदर जाता है तो वो जादुई गोला जो कि छोटे होते हुए हाउल्स ने खाया था वो उसकी बॉडी से निकलकर वापस आसमान की तरफ मुड़ जाता है और ऐसे हाउल अपनी इंसानी हालत में जिंदा हो जाता है। उस जादुई गोले के वापस जाते ही वो पुतले से मदद मांगती है। वो जो सोफी को इस महल तक लेकर आया था वो बेहोश हो गया था। सोफी उसके पास जाकर उसे उठाकर उसे प्यार करती है और ऐसे उसका भी शराब टूट जाता है और देखते ही देखते वो एक शहजादा बन गया था। ये शहजादा यानी ये प्रिंस सोफी को बताता है कि मैं उस मुल्क का प्रिंस हूँ जो मुल्क तुम्हारे मुल्क पर हमला कर रहा है। अब मैं अपने मुल्क जाकर तुम्हारे इस मुल्क को बचा सकता हूँ। वो सोफी के उस मुल्क की बात कर रहा था जहाँ पर सोफी रहा करती थी, या ये कह लें जहाँ मूवी के स्टार्ट में सोफी रहती थी और जहाँ के लिए अब हाउल ने जंग लड़ी थी। जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो प्रिंस सोफी को पसंद करने लगा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो ये भी तो जानता था कि सोफी हाउल को पसंद करती थी। वो प्रिंस उन्हें बाय कहकर चला जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाउल बिल्कुल ठीक हो गया है। सोफी का भी श्राप अब टूट गया था। जादूगरनी और मूवी के शुरू में दिखाया जाने वाला वो बच्चा जो कि पहले से हाउल के महल में रहता था वो भी उन्हीं के साथ रहने लगा था। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके अपने महल को ठीक कर रहे थे और काफी खुश दिखाई दे रहे थे। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।